शिक्षक साथी, शिक्षक भाई, शिक्षिका बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जयंती, जिसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसको उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को क्यों मनाया जाता है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी थे, वो युवाओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, उनको कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। और उनका कहना था कि हमारे देश के जो युवा हैं, वही देश के भावी कर्णधार हैं। तो उन्होंने हमेशा युवाओं को कुछ नया करने, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, इसीलिए उनका जन्मदिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम आपको उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप में बताएंगे कि उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायणा महिला थी, गृहिणी थी। तो उनके घर का जो वातावरण था वो धार्मिक और आध्यात्मिक था, इसीलिए बालक नरेंद्र के मन में अध्यात्म और धर्म के जो संस्कार थे